अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर जमान है। तो मैं इस वक्त बैठा हूँ वारदरी कारपोरेशन टारगेट सेंटर लुटन पे। तो मैं किसान बिरामद वास्ते एक पैगाम लेके आया हूँ। उससे पहले किसान बिरामद मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल कमर जमान टारजन के नाम तो है पिया, अनसब्सक्राइब कर दियो तो नाल घंटी का निशान है पिया उसनों दबा दियो ताकि मेरी हर नवी आवन वाली वीडियो तो आसानी के नाल मिल सके। अगे चलने पैगाम की तरफ कि इस टाइम अपने इलाके के गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। तो काश्त होने मुकम्मल होने के नाल नाल किसान बिरावान ने कितने तो पहला पानी भी ला लिया है पिया। पहला पानी लाने के नाल ही किसान बिरावान वास्ते जो सब तो मसला वड्डा बनता है पिया, वह जड़ी बूटिया ने। जड़ी बूटिया वेख के किसान बड़ा परेशान होता है, उन्होंने खत्म करने वास्ते मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। उस वास्ते टारगेट कंपनी ने प्रिवेंटर प्लस के नाम तो एक प्रोडक्ट दिता है पिया, जिस दो किस्म के जहर ने एक खास करके चौड़ा पत्ता तो नुकीला पत्ता दोवें जड़ी बूटियों खत्म करने वास्ते हैं। इन्हों का स्प्रे करन दा थोड़ा तरीका मुख्तलिफ है पिया। दूसरे नंबर पर जिस टाइम स्प्रे की जाती उस फसल यानी जमीन वत्तर का उसकी कंडीशन वेखी जाती है कि वह किस स्टेज है, यानी कि तर वत्तर के भी वेख्या जाता है पिया। दूसरे नंबर पर खुश्क वत्तर है या वत्तर है, इस तीनों चीज़ों वेखना है। इसमें स्प्रे जिस टाइम तुम कर लगते हो इस वास्ते वत्तर होना चाहिए। तर वत्तर उसनों आख्या जाता है जिस पानी की मौजूदगी यानी नमी ज़्यादा हद तक खड़ोती आती है। तो खुश्क वत्तर होंगे यानी कि जमीन में पानी की जरूरत है, इसमें वत्तर की हालत स्प्रे करना है पिया। स्प्रे जिस टाइम तुम कर लगते हो उस पहले सब तो पहले जो सिलेक्ट करते हो वह होंगी है टैंकी स्प्रे मशीन। जिस टाइम तुम स्प्रे मशीन में चक लें उस वास्ते सब तो पहले टक वाला फुहारा जिसनों टी जेट नोजल भी आख्या जाता है इसनों तुम अगे नाली अगे फिट कर देना। क्यों? जड़ी बूटी को ख़त्म करने के वास्ते टी जेट नोजल का होना जरूरी है। आप जड़ी बूटी को ख़त्म करना है, ना कि आप सिर्फ हिफाजती तौर पर स्प्रे करना है। आप जड़ी बूटी को ख़त्म करने के वास्ते टी जेट टी नोजल का होना जरूरी है पिया। अगे चलने स्प्रे करने का तरीका, स्प्रे करने का तरीका एक खास करके समझना जरूरी है कि इस टाइम जिस टाइम स्प्रे आप कर रहे होंगे उस टाइम इस दो जहर एक एडजॉइंट के नाम तो है महलूल है तो परिवेंट प्लस के नाम तो यह जरा प्रोडक्ट है पाया पाउडर के है। इन बनाने का तरीका इस तरह है पाया कि दो बर्तन तुम्हें लेने ने, दो बर्तन एक बाल्टी के पांच लोटे पानी के पा देने, दूसरी बाल्टी के पांच लोटे पानी के पा देने। जिस टाइम तुम इन दोवें बाल्टियों के पांच लोटे पानी के पा देंगे ने एडजॉइंट में एक बाल्टी के महलूल बना लेना, तो प्रिवेंट प्लस में दूसरी बाल्टी के महलूल बना लेना। जिस टाइम तुम ये बना लेंगे हो बनाने तो बाद एक साइड तो एक बाल्टी एक लोटा भरिया टैंकी के पा दिता, पानी के नाल थोड़ा टैंकी अद्धा कर दिता, फिर दूसरी साइड तो एक लोटा भरिया टैंकी के पा दिता, टैंकी फुल करके टी जेट टक वाले फुहारे के नाल स्प्रे करना है पिया। कोशिश करनी चाहिए कि डबल फुहारा नहीं पैना चाहिए पौधे के उत्ते। अगर तुम डबल फुहारा पा देंगे पै जाता है पिया उसका मसला नहीं है। मेन चीज़ है कि आप फसल को बचाना है पिया, जड़ी बूटी को ख़त्म करना है पिया। क्यों? आप जी भी खुराक देने पे फसल में देने की कोशिश करने कि अपनी फसल जोड़ा ना वो खुशगवार रहे, उसके पैदावार इजाफा हो, इस करके आप जड़ी बूटियां ख़त्म करने हैं। जिस टाइम तुम स्प्रे कर देंगे हो तो इस चीज़ का यह भी वेख्या करो कि तुम चाहते हो कि सू जड़ी बूटी का फौरी रिजल्ट मिले, यानी कि फौरी तलफ होनी चाहिए। अगर तुम फौरी तलफ करना चाहते हो ना तो फिर इस तरह करके फसल में भी नुकसान होता है। तुसी वैसे भी जड़ी बूटी नू खिंच के पुट के रखते हो ना तो दो चार दिन उस भी लग जाते हैं कि जड़ी बूटी खुश नहीं आती। अगर तुसी जल्दी करते हो तो उस विच फसल का नुकसान होता है पाया, इस दे 8 से 10 दिन लग जाते हैं रिजल्ट आदि आदि। एक तो इसका खर्चा मुनासिब है, दूसरे नंबर पर इसका तुम रिजल्ट भी ले सकते हो, 100% तुम इसका जरिए रिजल्ट ले सकते हो। दूसरे नंबर पर जरा स्प्रे करने वाला है उस वास्ते हिफाजती तदाबीर भी होनी चाहिए ने। जिस टाइम तुम स्प्रे कर लगते हो उस टाइम तुम सिमट न, यानी कि जिस टाइम तुम स्प्रे एक रुख बनाते हो अगे तुम हवा में वेखो कि हवा का रुख तुहाडे मुखालिफ साइड तो नहीं है, यानी कि जिस साइड पर तुम जा रहे हो स्प्रे कर रहे हो उस साइड तो हवा का रुख तुहाडे हाल तो नहीं, मुखालिफ साइड हवा होनी चाहिए पे तुम इन स्प्रे करना है पाया ताकि जड़ी बूटियां भी तलफ हो सकन, अपना भी फायदा हो कि अपने आप में भी नुकसान तो बच सकी। किसान भरावान का ज़्यादा बड़ा ही शुक्रिया जिहड़ा उन्होंने मैंने तवज्जो नाल सुनते हो, वीडियो नूं लाइक कर दियो, लाइक किया भी करो कि सानू भी पता चले कि साडी वीडियो बनाने का तुहानू कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। शुक्रिया किसान भरावान का।